अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं शेज़वान मोमोज ड्राई, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और आसानी से बन जाती है। हम जो रेसिपी बता रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा मिकदार में बनेंगे मोमोज, तो अगर आपको कम बनाना है तो सारी चीज़ों को आधा कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए आपको 3 कप मैदा लेना है और मैदे को छान लें और इसके अंदर आपको 3 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल ऐड करना है। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ना करें। इसमें हमने आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर दें। इसमें आपको इतना ही पानी ऐड करना है जितना आटा गूंदने के लिए ज़रूरत हो। उसके बाद आटे को गूंद लें और साइड में रख दें, और जब इसके मोमोज बनाएंगे ना उस वक्त थोड़ा सा इसको मालिश कर लेंगे, तो उसे आप साइड में रख दें। अब हमने कीमा लिया है तो 750 ग्राम कीमा ले लें। इसे बनाने के लिए आपको मशीन का कीमा लेना है, यानी कि जो कीमा है वो बारीक होना चाहिए। और इसे अच्छे से धो लें और छन्नी में इसे रख दें ताकि इसमें जो पानी है वो पूरा अच्छी तरह से निकल जाए। और उसके बाद इसे आप कटोरे में ऐड कर दें जिसमें हमें और मसाले ऐड करने हैं। अब हमने इसमें क्रश ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, तो 2 टेबलस्पून आप इसमें क्रश ग्रीन चिली ऐड कर दें। इसमें 1.5 टेबलस्पून आपको अदरक का पेस्ट ऐड करना है और 1.5 टेबलस्पून ही आपको लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, यानी कि 1.5 चम्मच आपको ऐड करने हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली थी, उसे इस तरह से बारीक काट दिया था, और इसे ऐड कर दें। इसी के साथ ही 1/4 कप कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें देसी। इसमें 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है और 1 टेबल स्पून इसमें वेनेगर ऐड करना है, वाइट वेनेगर। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून आपको सोया सॉस ऐड करना है और नमक आपको 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। अब इसमें मैगी क्यूब ऐड कर दें, वेजिटेरियन 2 ऐड कर दें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 1 घंटे के लिए आप साइड में रख दें और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हो उसे निकाल दें। अब हमने जो आटा गूंदा था उसका थोड़ा बड़ा सा पेड़ा लिया है और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। जो हम रोटी बनाएंगे वो ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर पतली होगी तो सारे मोमोज टूट जाएंगे और मोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ी सी दरमियाना रोटी बनाएं और इसको इस तरह से ग्लास से काट लें, या कटर हो आपके पास तो कटर से काट लें। तो ग्लास का आप इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि छोटा सा ग्लास हो तो फिर वो मोमोज जो है वो ज़्यादा बनेंगे नहीं सही से, तो इतना चौड़ा ग्लास हो तो बेटर रहेगा। और देखें, हमने एक रोटी में 5-5 मोमोज की रोटियां बना ली हैं, तो देखें कितना फास्ट हो गया ना। अगर हम एक छोटा पेड़ा ले लेके इस तरह से बेल बेल के बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस इस तरह से सारे जो मोमोज की रोटियां हैं वो हमने बना ली हैं, तो इन्हें अलग अलग कर दें फ़ौरन, वरना ये एक दूसरे को चिपक जाएंगी, तो इसलिए आप फ़ौरन ये अलग अलग करके साइड में रख दें। अब आपको एक एक जो रोटी है उसमें आपको 1 टेबल स्पून के इतना कीमा रखना है और उसे इस तरह से शेप दें। और इसे पैक कर दें। इसी तरह हम सारे मोमोज बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करते हैं। तो उन्हीं से आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप सारे जो मोमोज हैं उन्हें बना लें और इन्हें बनाकर साइड में रख दें। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो हमने डीप फ्राई करना है इसलिए ऑयल को हमने गर्म करके रख दिया है। और ऑयल को इतना ज़्यादा गर्म ना कर दें कि धुआं निकलने लगे, क्योंकि हमने कच्चे चिकन से बनाया है ना मोमोज, तो उसको भी पकने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए ऑयल उस वक्त आप ऐड करें और इसे मीडियम आंच पर ही फ्राई करें।
तो जब दोनों तरफ से लाइट ब्राउन नज़र आने लगे ना तो इसे निकालना है। तो इस तरह से आप सारे जो मोमोज हैं उन्हें फ्राई कर लें। इसे सिर्फ लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना। जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन नज़र आने लगे तो इन्हें निकाल दें। अब हमने इसे निकाल कर साइड में रख दिया है। एक दूसरी कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे, तो 1/4 कप आपको इसमें ऑयल ऐड करना है। इसमें 3 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन ऐड कर दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून आपको क्रश ग्रीन चिली ऐड करनी है, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसे तेज़ आंच पर 1 मिनट तक भूनें और इसके बाद हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है, मोटी मोटी लंबाई में कटी हुई, और 2 शिमला मिर्च ऐड कर दें। हमारे पास रेड और ग्रीन दोनों शिमला मिर्च थी इसलिए हमने ऐड किया, आप चाहें तो ग्रीन ही ऐड कर सकते हैं। बाहर अंधेरा हो रहा था तो हमने अपने किचन में इसे मुंतकिल कर लिया, यानी कि शिफ्ट कर लिया, और अब हम इसे यहीं पर बना रहे हैं। तो इस वक्त इसे भून रहे हैं हम, तेज़ आंच पर आप इसे भूनें और इसमें शेज़वान स्टीर फ्राई सॉस ऐड करें। इसमें आपको 1 कप शेज़वान स्टीर फ्राई सॉस ऐड करना है, ये ज़रूरी है इस डिश के लिए। अब इसे 2 मिनट तक तेज़ आंच पर भूनते रहें और इसके बाद इसमें आपको 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करना है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून ही इसमें विनेगर ऐड कर दें। इसे अच्छी तरह से भूनें। जब तक ये मसाला हम भून रहे हैं ना, तो आपको साइड में मोमोज़ को वापस से एक बार फ्राई करना है, तो ये थोड़े क्रिस्पी बन जाएंगे। और हमने फ्राई कर लिया है मोमोज़ को, अब हमने इस मसाले में ऐड कर देना है। याद रखें कि 2 बार आपको फ्राई करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें सॉस वगैरह ऐड किए हैं तो काफ़ी हो जाएगा नमक, इसलिए नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये डिश बहुत ही चटपटी बनती है, तो आप इसे ऐसे ही बनाएं जैसे हमने बनाया है और इतने ही मसाले इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ मोमोज बनाते वक्त ही नमक ऐड करना है, बाकी जब हम सॉस में इसे बनाएंगे तो बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। तो अब तैयार हो चुके हैं शेज़वान मोमोज, बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है ना, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इफ्तार में इसे बनाएं, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी ये डिश। और मिर्चें चाहें तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतनी मिर्चें काफ़ी होंगी जो लोग थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए, और जिनको बिल्कुल फीका पसंद है तो अपने हिसाब से ही ऐड करें। तो ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो वापस से बनाइएगा। आपको 1/4 किलो पत्ता गोभी लेनी है और उसे इस तरह से लंबाई में काट लें और ज़्यादा बारीक ना काट दें। इसे धो लें और छन्नी में रख दें ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों में हमें 5 से 6 हरी मिर्चें लेनी है, 1 टेबलस्पून लहसुन के जवे लेने हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। इसे हमें क्रश कर लेना है, यानी मोटा मोटा पीस लेना है, और उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है पत्ता गोभी में, और 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें खुशबू वाला, और 2 स्प्रिग आपको करी पत्ते के ऐड करने हैं, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें, और 1/2 टेबलस्पून साबित ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून ही हमें इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, 1/4 टीस्पून हमें इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, और नमक ऐड कर दें स्वाद अनुसार, यानी हसब ज़ायका। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, तो बेसन हमेशा फ्रेश लें, तो आपको 300 ग्राम बेसन ऐड करना है इसमें।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें इतना पानी ऐड करें कि ये थोड़ा गाढ़ा रहे, ज़्यादा पतला ना कर दें। और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और इसे इस तरह से ऐड करें ऑयल में। थोड़ा सा कबाब की तरह होना चाहिए, गोल गोल नहीं बनाना है हमें इसे, थोड़ा चपटा चपटा सा बनाना है। जब हम प्याज के भजिए बनाते हैं तो उसका जो बैटर होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन इसका जो बैटर है वो थोड़ा सॉफ्ट बनाना है, लेकिन इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना कि आप जब फ्राई करें तो टूट जाए। तो थोड़ा सा गाढ़ा रखना है ना, जैसे आप बेसन के भजिए बनाते हैं। आपको अगर पकौड़ों को क्रिस्पी बनाना है तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी इसमें मसाला और बेसन मिक्स करें ना तो फ़ौरन फ्राई कर लें। अगर आपने इसे भिगो के रख दिया इस बैटर को, तो उसके बाद अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो किसी भी तरह के आप पकौड़े बनाएं उसको आप फ़ौरन फ्राई करें तो ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आप सारा मसाला मिक्स करके रख दें और जब आप इसे फ्राई करें तो उसमें आप यानी कि बेसन में पानी मिक्स करके फिर फ्राई करें। इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है सारे पकौड़ों को, और इसे आपको हरी चटनी के साथ सर्व करना है, जिसकी रेसिपी हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आप आधा कप हरा धनिया ले लें, उसमें 3 से 4 हरी मिर्ची ले लें और 3 से 4 लहसुन के जवे ले लें और इसे पीस लें, और पीसने के बाद उसमें नींबू का रस मिला दें 1। तो बस वो चटनी तैयार है, उसे इसके साथ आप सर्व करें गर्मा गर्म। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो इस तरह से नज़र आएंगे, लग रहे हैं ना बहुत ही मज़ेदार। तो बस इसे बनाइए और गर्मा गर्म सर्व करिए, और जब भी इसे बनाइए तो हमें कमेंट करने ना भूलिएगा। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो नए देख रहे हैं वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।